हमेशा जो आपसे नहीं हो रहा है, जो नहीं बन रहा है, उनको अपसॉल्व करो, क्योंकि जो आपको आता है वो तो आपको आता ही, वो आप वापस से कर दोगे। जो आपको नहीं आता वो आप नेक्स्ट टाइम भी नहीं कर पाओगे अगर आप अपसॉल्व नहीं करोगे। पता है आई वॉज प्यूपल, और मैंने काफ़ी टाइम प्यूपल पे बिताया, कोड फोर्सेस पे। आई यूज़ टू रैंट एंड कॉल माई फ्रेंड्स की यार प्यूपल से बढ़ नहीं रहा हूँ मैं, पता ही नहीं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बढ़ नहीं रहा हूँ। लर्निंग पे फोकस करो, रेटिंग पे नहीं, रेटिंग इवेंचुअली ठीक हो जाएंगी आपकी। Hi everyone, Naman this side. So today we're going to talk about a very important question जो बहुत लोग काफ़ी मुझसे पूछते हैं कि कोड फोर्सेस पे मैं अपनी रेटिंग कैसे बढ़ाऊँ, कोड शेफ पे अपनी रेटिंग कैसे बढ़ाऊँ, मेरी रेटिंग गिरती जा रही है, आई एम अ लॉट डीमोटिवेटेड वाइल गिविंग कॉन्टेस्ट, रिसेंट कॉन्टेस्ट में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली मेरी रेटिंग नीचे गिरी और कॉन्टेस्ट में इम्प्रूव नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास आते हैं, तो टुडे आई एम गोना आंसर दैट, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, नॉट जस्ट फॉर दोज आर डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बट डेटा स्ट्रक्चर्स भी जो कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये डेटा स्ट्रक्चर्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सबके लिए वैलिड है, ठीक है। तो हमेशा सिंपलर चीज़ें से चालू करो, नेवर ट्राई टू गो एंड लर्न सम फैंसी एल्गोरिदम्स, हमेशा सिंपल चीज़ों से चालू करो। जैसे यूसैको का एक पेज है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स है, कम रेटिंग वाले प्रॉब्लम्स है, कम रेटिंग वाले प्रॉब्लम्स करो। कोड शेफ पे भी लो लेवल प्रॉब्लम्स है, जो बिगिनर्स के लिए क्वेश्चन है, डी एस ए सीरीज़ है, वो ट्राई करो, जिसके अंदर बहुत ईजी ईजी प्रॉब्लम्स है, उससे आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं। हमेशा सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करो, ठीक है। सेकंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि काफ़ी लोगों को एल्गोरिदम्स के बारे में नहीं पता होता है, जैसे मुझे भी नहीं पता यार, सारी एल्गोरिदम्स हम लोगों को नहीं पता होती है। तो एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ो कि कौन कौन सी एल्गोरिदम्स है, कहाँ से पढ़नी चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट, सी पी एल्गोरिदम्स एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ सी पी एल्गोरिदम्स पे, काफ़ी सारी एल्गोरिदम्स हमें मिल जाएगी, टॉपिक बाय टॉपिक उन्होंने दे रखा है, जैसे मैथ्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, ग्राफ्स हो गए, डिसकनेक्टेड ट्रीज हो गए, डिसकनेक्टेड ग्राफ्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बायपार्टाइट ग्राफ हो गए, जिसके ऊपर मैंने एक लेक्चर भी लिया था, ठीक है। तो वहीं पे सी पी एल्गोरिदम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सी पी एल्गोरिदम्स की काफ़ी अच्छे से मेनटेन्ड है पेज, शायद उसका वेबसाइट लिंक चेंज हो गया है, बट काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। तो एल्गोरिदम्स के अंदर में पढ़ो, ऑल्सो कॉर्मिन इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स, कॉर्मिन एक बुक है, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, वहाँ से भी आप लोग एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ सकते हो। तो एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। कमिंग ऑन टू द कोडिंग प्लेटफॉर्म, जो भी आप यूज़ करते हो, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, टॉप कोडर, जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, जो सबसे यूजफुल टिप है आप लोगों के लिए, दैट इज़ कि रेटिंग के बारे में मत सोचो, फॉरगेट अबाउट रेटिंग। क्योंकि यार रेटिंग देख के ना काफ़ी डिमोटिवेट होता है कि काफ़ी लोग आपसे ऊपर हैं, ठीक है। हम कभी हमारे से नीचे वालों से जज नहीं करते कितने लोग हमारे नीचे हैं, बट हम देखते हैं कि कितने लोग हमारे ऊपर, ये कभी मत किया करो यार। कॉम्पिटिटिवनेस अलग चीज़ होती है, लेकिन चीज़ों से डरना अलग चीज़ होती है। हम क्या सोचते हैं कि हमारी रेटिंग बढ़ नहीं रही है, रेटिंग हिल नहीं रही है। पता है आई वॉज प्यूपल, और मैंने काफ़ी टाइम प्यूपल पे बिताया कोड फोर्सेस पे। आई यूज़ टू रैंट एंड कॉल माई फ्रेंड्स की यार प्यूपल से बढ़ नहीं रहा हूँ मैं, पता ही नहीं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बढ़ नहीं रहा हूँ। पता है ये मत सोचा करो रेटिंग, ऑलवेज थिंक अबाउट कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या सोच रहे हो, ठीक है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। रेटिंग्स के बारे में मत सोचो, रेटिंग्स अगर आप पढ़ोगे, आपको अगर चीज़ समझ आ रही है, बाद में जाके अच्छी हो जाएंगी यार, अभी इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेते हैं। फोकस ऑन लर्निंग, लर्निंग पे फोकस करो, रेटिंग पे नहीं, रेटिंग इवेंचुअली ठीक हो जाएंगी आपकी, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इस कि रेटिंग बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, पता है क्या करो, सी और डी पहले कर लो, सी और डी पे फोकस करो, ए आर बी पे फोकस मत करो, क्योंकि ए आर बी काफ़ी लोग जल्दी कर लेते हैं, देन आप सी और डी नहीं कर पाते, तो वहाँ से आपकी रेटिंग गिर जाती है। अगर आपकी ए आर बी में स्पीड नहीं है तो इवेंचुअली आपकी रेटिंग्स गिरती है। तो ट्राई टू डू सी एंड डी फर्स्ट, पहले सी और डी करो। इफ़ यू डोंट कम अप विद द सॉल्यूशन, आप सबमिट ही मत करो, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है सी और डी का,
क्योंकि ए और बी का तो आपको मिल जाएगा यार, थोड़े टाइम में मिल जाएगा, लेकिन अगर सी और डी का नहीं मिल रहा तो आपकी रेटिंग्स गिर जाएगी। तो क्या करो, पहले सी और डी कर लो। सी और डी करके आपका एक चांस है कि आप अपनी रेटिंग पर होल्ड कर सको। अगर सी और डी का सोल्यूशन आ जाता है आपका, सबमिट करो, देन गो ऑन फॉर ए एंड बी। ठीक है, उससे आपकी रेटिंग, क्योंकि सी और डी के जो पॉइंट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, आपकी जो रैंक होगी वो मेनटेन रहेगी। ठीक है, अगर आप सी और डी गलत सबमिट, सी और डी नहीं होता है, अगर इफ़ यू फेल टू सॉल्व इट करेक्टली, तो आपकी रेटिंग ज़्यादा गिरेगी। बट इससे एक अच्छी बात है कि अगर आपकी रेटिंग ज़्यादा गिरेगी तो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में आपकी रेटिंग इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, ज़्यादा कम रैंक होती है तो इंक्रीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन अचीव अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। तो ये एक बहुत सही ट्रिक है कि सी और डी पहले कर लो, ए और बी बाद में कर लेना, क्योंकि ए और बी तो हो जाने हैं। ठीक है, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोई नहीं करता है, मैं भी नहीं करता था स्टार्टिंग में, अब सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। क्या होता है कि छः क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन होते हैं, अगर हमसे तीन हो जाते हैं तो मैं नहीं सोचता था डी और ई करने के लिए, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। हमेशा जो आपसे नहीं हो रहा है, जो नहीं बन रहा है, उनको अब सॉल्व करो, क्योंकि जो आपको आता है वो तो आपको आता ही, वो आप वापस से कर दोगे। जो आपको नहीं आता वो आप नेक्स्ट टाइम भी नहीं कर पाओगे अगर आप अपसॉल्व नहीं करोगे। तो अपसॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट यू कुडंट मेक ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपसॉल्विंग इज़ वेरी मस्ट, करो, नहीं हो रहा है दो बार करो, नहीं हो रहा है ट्यूटोरियल देखो यूट्यूब पे, काफ़ी लोग सोल्यूशंस डालते हैं, एटलीस्ट ए बी सी डी के तो सोल्यूशंस आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, ई और एफ के नहीं मिलते, बट ई और एफ के ट्यूटोरियल्स समझ में आ जाएंगे अगर आप ए बी सी डी कर रहे हो तो। तो ए बी सी डी हमेशा करना है। ठीक है, डी ई एफ, आई मीन ई एफ के लिए आप ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हो, और कुछ कुछ यूज़र्स हैं जैसे गेलिन कोलिन जो बनाता है वीडियोस, यू कैन ट्राई एंड रेफर देम। ठीक है, उनके वीडियोस देखो। ठीक है, हर रोज़ एक या दो क्वेश्चन ऐसे ट्राई करो जो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर हो, क्योंकि जो चीज़ आपकी कंफर्ट जोन से बाहर होगी उनसे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर इन द सेंस जो टॉपिक आपको नहीं पता है उनके बारे में पढ़ो। एक प्रॉब्लम एक दिन या दो प्रॉब्लम एक दिन इज़ वे मोर देन इट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये पॉइंट। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप कॉन्टेस्ट के टाइम कर पाओगे, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर जाने से आप एक अच्छा क्वेश्चन बना सकते हो, एंड इट विल ऑल्सो इन्हांस स्किल्स टू राइट एफिशिएंट कोड फॉर दी प्रॉब्लम्स दैट यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट इज़ आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। ठीक है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप वाइल गिविंग अ कॉन्टेस्ट, अपने दोस्तों की स्टैंडिंग्स मत देखो कि किसने कितना, पता है मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ। मैं जब भी कॉन्टेस्ट देता हूँ ना, मैंने दो तीन लोग फ्रेंड्स बना रखे हैं कोड फोर्सेस पे, आई ट्राई टू सी देम, या किसने पहले कर लिया, किसने नहीं किया, कौन कर रहा है, किसने पहले सी कर लिया, किसने पहले डी कर लिया। इससे क्या होता है, माइंड थोड़ा वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है कि यार इन्होंने कैसे कर लिया, मुझसे क्यों नहीं हुआ। तो इससे एक ना एक सेंस ऑफ डीमोटिवेशन आती है वाइल गिविंग कॉन्टेस्ट, यार मुझे भी करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं आती है तो दूसरी सेंस क्या आती है कि ये कॉन्टेस्ट हमारा ख़राब होने वाला है, इससे हमारी रेटिंग गिरने वाली है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था, हम रेटिंग के बारे में सोचते हैं। इसलिए ये दोनों पॉइंट इंटरलिंक्ड है, कभी भी अपने दोस्तों की स्टैंडिंग सबको हटा दो, कॉन्टेस्ट के टाइम सबको हटा दो, किसको मत देखो, सबको हटा दो, फ्रेशली दो, कुछ मत सोचो कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बस अपने कॉन्टेस्ट पे फोकस करो, ट्रस्ट मी दिस इज़ गोना हेल्प यू। कुछ गिने चुने रेड कोडर्स या फिर जिनके कोड आपको समझ आते हैं, उनको, उनके कोड को ज़रूर आप फ्रेंड्स बना सकते हो, क्योंकि उनका कोड आपको इवेंचुअली समझ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, प्लीज़ फॉलो इट। लोगों की स्टैंडिंग्स मत देखो, दोस्तों की स्टैंडिंग मत देखो, किसने पहले किया किसने बाद में किया। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, आपको ही हर्ट होगा अगर किसी ने आपसे पहले कर लिया होगा तो। लास्ट पॉइंट, कभी कभी स्टार्ट फ्रेश। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। ठीक है, एक नया अकाउंट बनाओ, आराम से चालू करो। ठीक है, कॉन्टेस्ट में रेटिंग्स बढ़ाना इतना हार्ड भी नहीं है जितना हमें लगता है, बट हम क्या ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बनाते रहते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि कॉन्टेस्ट हार्ड होता है। फॉलो दिस पॉइंट, अब सॉल्व करो क्वेश्चंस को, ट्राई टू सॉल्व आउट ऑफ कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है, अच्छी रिसोर्सेज पढ़ो, रिसोर्सेज के लिए मैंने बताई दिया, सी पी आल कर दूम हो गई, कॉर्मिन हो गई, सी टी सी आई भी पढ़ लिया करो, बिकॉज सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंटरव्यूज भी इंपॉर्टेंट है. CTCI क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू एक बहुत अच्छी बुक है, वो भी पढ़ा करो ठीक है, साइड बाय साइड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा. रेटिंग के बारे में मत सोचा करो यार, रेटिंग से कुछ नहीं होता. इवेंचुअली आपको बुरा लगेगा अगर रेटिंग अच्छी नहीं होगी और गिर रही होगी, तो रेटिंग के बारे में मत सोचो. अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इवेंचुअली आपकी रेटिंग अच्छी होगी. तो दीज वर सम पॉइंट्स जो मैंने कॉन्कर किए व्हाइल आई वाज डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एंड इसने बहुत हेल्प किया मुझे. मैं बहुत ज़्यादा स्टक था व्हेन आई वाज प्यूपल ठीक है. मैं प्यूपल से स्पेशलिस्ट जा ही नहीं पाया था, स्पेशलिस्ट से एक्सपर्ट नहीं जा पाया था. तो प्यूपल से मुझे टाइम लगे था एंड तब ये मैंने सारी चीज़ें रियलाइज़ की थी. तो आप ऐसा मत करना एंड डेफिनेटली यू गोना मेक इट. थैंक यू गाइस, होप यू हैव अ नाइस डे. थैंक यू.